नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। चलिए बढ़ते हैं किसी बड़ी खबर की ओर। आधी रात इस बात को लेकर पति से हुआ झगड़ा, सुबह पंखे से लटकी मिली पत्नी की लाश। मामला नोएडा के सेक्टर 119 का है। बर्थडे की खुशियां पल भर में ही मातम में बदल गई। जन्मदिन का केक काट दी पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और महिला ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एल्डिको आमंत्रण सोसाइटी पर सोनम सिंह नाम की महिला अपने पति उत्तम कुमार के साथ रहती थी। मृतक महिला के पति एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है और दोनों को एक 10 साल का बेटा भी है। शुक्रवार को सोनम का जन्मदिन था, लिहाजा गुरुवार की रात 12 बजे केक काटने का प्रोग्राम था। केक काटने के दौरान ही पत्नी का उत्तम के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। थोड़ी देर बाद मामला शांत हो गया और सोनम अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह बाहर नहीं आई और पति ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर पति उत्तम ने किसी तरह से दरवाजा खुलवाया तो देखा कि उनकी पत्नी पंखे से लटकी हुई है। तुरंत ही उन्होंने मदद के लिए पुलिस और पड़ोसियों को बुलाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सोनम के पति से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर खुदकुशी की नौबत क्यों आई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।